नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की शादी है और इस शादी में लगभग बहुत ही सीमित लोगों को, बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया है और लगभग 40 से 50 जो इनके वीवीआईपी मेहमान हैं उन्हीं लोगों की शादी में इन्वाइट किया गया है। और देखा जाए तो सिर्फ जो लालू यादव, राबड़ी देवी के जो रिश्तेदार हैं और इनकी जो बेटियाँ हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को इन शादी में रखा गया है। और बात करें कि अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शादी समारोह में पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो कि आरजेडी के जितने विधायक, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस शादी में नहीं बुलाया गया है। यहां तक कि आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद हैं, उनको भी शादी से दूर रखा गया, उनको भी शादी में नहीं बुलाया गया है। और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत ही कम लोगों को बुलाया गया है। अब जो भी सस्पेंस है, यहाँ तक कि वेंकट हॉल से मीडिया को भी काफ़ी दूर रखा गया, मीडिया को भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। और अखिलेश यादव अभी इस शादी समारोह में पहुंच रहे हैं, काफ़ी लेट हुए क्योंकि सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में थे, तो वहां से निकलने के बाद जस्ट अभी तेजस्वी यादव के शादी समारोह में शिरकत होने के लिए पहुंचे हैं। और हम बात करें कि तेजस्वी यादव के शादी को लेकर हमेशा एक चर्चा बनी रहती थी कि चिराग और तेजस्वी में एक होता था कि सबसे पहले शादी किसकी होगी। और आज तेजस्वी की शादी हो रही है। जब भी किसी मीडिया इंटरव्यू में तेजस्वी जाते थे तो उनसे पूछा जाता था कि शादी आप कब कर रहे हैं, शादी आप कर कर, तो तेजस्वी हमेशा यही कहते थे कि भाई चिराग हमसे बड़े हैं, चिराग पहले शादी हुई। लेकिन आज अंततः तेजस्वी यादव की शादी आज दिल्ली में हो रही है और काफ़ी कुछ इसमें सस्पेंस है। सस्पेंस को लेके जो सीमित मेहमान है उसे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्यों इतने भाई इतना बड़ा राजनीतिक घराना, बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना और एक डिप्टी सीएम की शादी, जो आने वाले समय का आरजेडी का, बिहार का मुख्यमंत्री का दावेदार है, उस उनकी शादी में अगर इतने सीमित लोगों को बुलाया गया, या काफ़ी कुछ सस्पेंस अभी बना हुआ है। सब कुछ क्लियर होगा लेकिन आज का जो दिन है लालू यादव के परिवार के लिए काफ़ी बेहद खास दिन है। और अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस शादी समारोह में शिरकत होने के लिए पहुँचे हैं। और कुछ और जो लालू यादव के साथी हैं, तेजस्वी यादव के जो साथी हैं, जो बहुत ही घनिष्ठ हैं, वही लोग इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए, जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और बिहार के कुछ वीवीआईपी इस शादी समारोह में पहुंचे हैं। और देखा जाए कि और किसी पार्टी के जो नेता हैं उनको भी नहीं इन्वाइट किया गया, यहाँ तक कि आरजेडी के सांसद, विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को भी इस शादी में नहीं इन्वाइट किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।